वहां दलित दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना अंतर्गत हसनगंज प्रखंड के बीआरसी भवन के प्रांगण में शिक्षा सेवकों की उन्मुखीकरण बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि 26 नवंबर को आयोजित होने वाले मद्य निषेध दिवस को सफल बनाने हेतु इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई केआरपी अरुण कुमार सिंह ने की। बैठक के दौरान सभी शिक्षा सेवकों को मद्य निषेध दिवस कार्यक्रम के दिन विद्यालय में प्रभात फेरी निकालने को कहा गया, जिसमें जागरूकता के लिए सभी शिक्षा सेवकों को अपने अपने क्षेत्र में मद्य निषेध से संबंधित स्लोगन को दीवार पर लिखने को कहा गया। वहीं जागरूकता के लिए विद्यालय के बच्चों को शराब वर्जित बिहार हर्षित और मद्यपान बंद घर घर आनंद के विषय पर लेखन के साथ ही वाद विवाद प्रतियोगिता की भी जानकारी दी गई। इस दौरान शिक्षा सेवकों के द्वारा चलाए जा रहे साक्षरता केंद्र और विशेष शिक्षण केंद्र की भी समीक्षा की गई, जिसमें कोविड-19 का प्रोटोकॉल हेतु मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का ख्याल रखने का निर्देश दिया गया। आज आवश्यक बैठक बुलाई गई थी और इन सभी शिक्षा सेवकों के साथ हमारी बैठक हुई। मूल रूप से इसका जो कार्य मूल उद्देश्य था, मद्य निषेध दिवस 26 नवंबर 2021 को मनाना, इसकी तैयारी को लेकर इन लोगों को बुलाए थे, क्योंकि बच्चों का भी प्रतियोगिता करानी है, फिर पुनः दीवार लेखन कार्य कराना है, ताकि लोग जागरूक हों। 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस मनाने के लिए अभी से तैयारी करनी है, विद्यालय स्तर पर, अपने पोषक क्षेत्र स्तर पर दीवार लेखन का कार्य इन लोगों को करनी है, फिर वो 26 नवंबर को जो मद्य निषेध दिवस मनाया जाएगा उसमें इन लोगों को बताया गया कि आप लोग वो जो है रंगोली वाला कार्यक्रम कराइएगा, अपने जहाँ जहाँ महिलाओं केंद्र चलता है वहाँ रंगोली कार्यक्रम कराइए और जागरूकता फैलाइए अभी से, और ताकि उस दिन सभी महिलाओं को जो आपके केंद्र पढ़ती हैं उनको बुलाइए, विद्यालय में बच्चों के साथ फिर गतिविधि करिए। ये सारे कार्यक्रमों के लिए इन लोगों को बुलाए थे, साथ साथ इनके साथ जो लोग जो कार्य करते हैं इनके केंद्रों का भी हमने समीक्षा किया, और इन सब बातों को लेकर समीक्षा होने के बाद अब चूँकि बैठक का समापन कर रहे हैं। मौके पर प्रकाश कुमार मंडल, विकास राय, हेमा कुमारी, अर्जुन राय, शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज सहित अन्य मौजूद रहे। मुकेश कुमार, टाइम्स न्यूज, हसनगंज।